भाई यार आज मैं उठने में इतना लेट क्यों हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं गाइज यार, क्योंकि गाइज आपको बताया कि आपका भाई गया होता रात को ट्रोलियां खाली करने अपनी अनाज मंडी के अंदर, वो भी गाइज अपनी बोरियों से भरी हुई। तो यहाँ पे देखो भाई लोग अपने घर की यहाँ पे खिड़की वगैरह और किवाड़ वगैरह मैंने बंद कर दिए हैं। अब गाइज यार यहाँ पे हॉर्न कौन बजा रहा भाई? सबसे पहले गाइज पास में जाके देखते हैं कि भाई हॉर्न कौन बजा रहा है। अच्छा भाई यार ये ट्रैक्टर भाई स्वराज 855 किसका है भाई? यार ये अपना स्वराज 855 किसका है भाई? हाँ भाई ये शर्मा जी का ट्रैक्टर है। तो भाई लोगों यहाँ पे देख पा रही है। अच्छा पता चला मुझे गाइज अपना जो गाइज स्वराज 855 है ना अपने शर्मा जी का ट्रैक्टर, वो हॉर्न इसलिए बजा रहा था क्योंकि भाई लोगों रात को मैंने अपनी ट्रॉली को यहीं पे छोड़ दिया मैंने रास्ते के बीच में। इसलिए भाई लोग हम लोगों को यहाँ से अपनी ट्रॉली को हटानी होगी। तो फटाफट से गाइज अपनी ट्रॉली को उठाते हैं और शर्मा जी के को यहाँ से रवाना करते हैं। लगता है गाइस शर्मा जी है ना वो निकालने जा रहे हैं गाइस अपने बाजरा गेहूं जवार वगैरह ये सब गाइस कोई निकालने जा रहे होंगे। ये तो मेरे को भी नहीं पता कि क्या निकालने जा रहे हैं, लेकिन गाइस हम लोगों को यहाँ से अपनी ट्रॉली है ना वो हटा लेनी चाहिए। तो भाई लोगों यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रॉली है ना वो जुड़ी नहीं भाई लोगों, तो यहाँ पे बैग में लेती है। पता नहीं गाइस यार ग्लिच आ गया। अब भाई जाते हैं कस्टमाइज मॉडिफिकेशन ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन। अब ये देख पा रहे हैं भाई लोगों मैंने छोड़ दी अपनी ट्रोलियां। अब गाइस लेते हैं ट्रैक्टर को आगे। तो भाई यार अब जुड़ चुकी है गाइस अपनी ट्रोलियां। भाई लोगों फटाफट से वाहन से रवाना कर देते हैं। शर्मा जी निकाल लो अपने ट्रैक्टर को, मैंने अपनी ट्रोलियां अलग कर दी है। तो भाई लोगों यहाँ पे देख पा रहे हैं शर्मा जी का ट्रैक्टर है वो जा चुका। पता नहीं गाइस शर्मा जी का ट्रैक्टर किधर जा रहा है, मेरे को जहां तक लगता है ना भाई शर्मा जी का ट्रैक्टर जा रहा है भाई हमारे घर वाले पीछे वाले खेत में जा रहा है भाई बाजरा वगैरह निकालने। तो फटाफट से गाइस हम भी यहाँ से रवाना होते हैं क्योंकि भाई लोगों हमको भी हमारे ट्रोलियों के अंदर माल लोड करना है और फिर गाइस हम लोग को जाना है हमारी अनाज मंडी के अंदर। तो भाई लोगों यार आज है भाई शनिवार और गाइस कल संडे है। संडे को भाई आपको बताना गाइस अपनी अनाज मंडी है ना वो बंद रहती है। तो फटाफट से गाइस हम लोगों को हमारे घर से रवाना होगा। फटाफट से गाइस हम लोगों को हमारे घर से रवाना होना होगा वरना गाइस यार हम लोग लेट हो गए ना। तो गाइस पहली चीज तो हम लोग ना इसी में चुक जाएंगे गाइस, हमारा जो कस्टमर है ना कस्टमर भी गाइस किसी को और को बुला लेगा भाई यार तू आजा। गाइस आपको बताना यार आजकल जमाना कैसा है भाई, थोड़ा भी गाइस 5 मिनट हम लोग लेट हो जाएंगे ना तो हमारे गाइस पैसे वगैरह भी वो लोग काट लेते हैं यार। तो भाई लोगों वो हद भी पार कर देते हैं, हमको भी भाई लोगों कैंसिल कर देते हैं भाई तू जा तेरा भाई दूसरा आएगा। इसी प्रकार भाई लोगों आपको बताना यार आजकल जमाना ही कुछ अतरंगी आ चुका है। तो भाई लोगों यहाँ पे देख पा रहे मैं फिर से आ चुका हूँ हमारे घर पे। अब गाइस यहाँ पे हम लोगों ना हमारे साउंड लोड करते हैं क्योंकि गाइस हमारे जो मनीष भाई है ना जैसा कि कल की वीडियो में आपने देखा अपने मनीष भाई के गाइस फ्रेंड की शादी है। तो हम लोगों को यहाँ से गाइस अपने ट्रोली के अंदर डीजे वगैरह लोड करने होंगे और डीजे लोड करने के बाद गाइस है ना डीजे को हम लोग हमारे मनीष भाई के घर पे देंगे। तो यहाँ पे गाइस डीजे लोड करते हैं अपने ट्रोली के अंदर। तो ये देख पा रहे भाई लोगों मैंने डीजे लोड कर लिया हमारे ट्रोली के अंदर। अब गाइस फटाफट चलते हैं अपने मनीष भाई के घर पे। मनीष भाई के घर पे जाने के बाद गाइस अपने डीजे को वहीं पे खाली कर देते हैं। फटाफट से चलते हैं गाइस अपने मनीष भाई के घर पे। तो मैं आपसे मिलता हूँ मनीष के घर पे पहुँच के। तो फाइनली गाइस देख पा रहे हैं हम लोग हमारे मनीष भाई के घर पे पहुंच चुके हैं। तो सामने देख पा रहे हैं भाई लोग अपने मनीष भाई का घर आ चुका है। अब गाइस चलते हैं अपने मनीष भाई के घर पे और डीजे को खाली करते हैं। फिर बाद में गाइस कल वाली वीडियो में आपने देखा कि अपने मनीष भाई के ना हम लोग बोरियां लोड करके लाए थे, उनको भाई लोगों मनीष भाई का जो पर्सनल रूम है ना गाइस बेडरूम उसी के अंदर भाई लोगों बोरियों को खाली कर दिया हम लोगों ने। हम लोग कैसे कैसे आदमी है यार। तो भाई लोगों यार मजाक सेट किया गाइस हम लोग ना बोरियों को लोड करने वाले हैं और डीजे को यहाँ पे खाली करने वाले हैं। फिर गाइस हम लोग चलने वाले हैं हमारी बोरियों को लेकर के गाइस सीधा अनाज मंडी। सच में गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की एंड इंटरेस्टिंग होने वाली थी। इससे पहले गाइस आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना एंड साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई लोगों डीजे को यहाँ पे खाली करते हैं। अब हम जाते हैं कस्टमाइज मॉडिफिकेशन ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन यहाँ पे ट्रोली लोडेड के अंदर। तो ये देख पा रहे हैं भाई लोग डीजे बिल्कुल गायब हो चुके हैं, मतलब डीजे भाई घर के अंदर जा चुके हैं गाइज। अब गाइज यहाँ पे भाई बोरियां लोड करते हैं। हम जाते हैं कस्टमाइज मॉडिफिकेशन ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन और ये हो गई अपनी बोरियां लोड। तो है ना भाई लोगों कमाल की ट्रिक यार। अब गाइज यार अपने मनीष भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपनी बोरियां ना वो बच चुकी है भाई यार। हमारे पास भाई लोग होती है यहाँ पे 400 बोरियां, एक ट्रोली के अंदर आती है भाई लोगों 100 बोरियां और दूसरी के अंदर आती है 100, दोनों के अंदर भाई लोग 200 बोरियां लोड हो पाई है। और भाई लोगों कल है संडे, आज तो भाई लोग हम लोग बोरियों को ले जाने से रहे। इसके लिए भाई लोग हम लोगों को ना एक ट्रिक अपनानी होगी। 400 बोरियां हैं तो भाई लोग हम लोगों को यहाँ पे 4 ट्रोलियां जोड़नी होगी, वो भी गाइस एक ही ट्रैक्टर के पीछे, है ना गाइस इंटरेस्टिंग। तो फटाफट से गाइस यहाँ पे ट्रोली जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले गाइस हमारी ट्रोली है ना उसके अंदर हम लोगों ने जितनी भी बोरियां लोड की है उनको अनलोड करना होगा। फिर गाइस हम लोगों को एक ट्रिक लगानी होगी, उसके माध्यम से गाइस हम लोगों ना एक ही ट्रैक्टर पे 4 ट्रोलियां जोड़ पाएंगे। गाइस आप भी सीख लेना भाई एक साथ ट्रैक्टर में 4 ट्रोलियां कैसे जोड़ते हैं। तो गाइस हमको यहाँ पे माल को अनलोड करना होगा। तो हम गाइस यहाँ पे माल को अनलोड कर लेते हैं। तो जाते हैं कस्टमाइज
मॉडिफिकेशन ट्रॉली लोड के अंदर है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं पहले को मैंने यहाँ पे अपनी बोरियो को अनलोड कर लिया। अब गाइस थोड़ा सा ट्रैक्टर को आगे लेते हैं और आगे लेने के बाद गाइस अपनी जो प्रक्रिया ना वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अपना शर्मा जी का ट्रैक्टर आ चुका है। तो शर्मा जी के ट्रैक्टर पे स्विच होते हैं। ये देख पा रहे हैं पहले को मैं अपने शर्मा जी के ट्रैक्टर पे स्विच हो चुका हूँ। अब गाइस शर्मा जी की जो यहाँ पे थ्रेसर है ना उसको यहीं पे छोड़ देते हैं। फाइनली गाइस देख पा रहे हैं मैंने अपने शर्मा जी की थ्रेसर को अलग कर दिया ट्रैक्टर से। अब गाइस यहाँ पे लेते हैं आगे। आगे लेने के बाद गाइस हमारी ट्रॉली है ना गाइस सबसे पीछे वाली ट्रॉली, दो नंबर वाली ट्रॉली, उस ट्रॉली के अंदर भाई लोगों हमारे इस ट्रैक्टर को लोड करना होगा। तो फटाफट से गाइस आगे लेते हैं और आगे लेने के बाद गाइस इस ट्रैक्टर को हमारे शर्मा जी की ट्रॉली के अंदर लोड करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो लोड करने के लिए गाइस हम लोगों को यहाँ पे ब्रेक मारना होगा और ब्रेक मारने के बाद हमको स्विच होना अपने जॉन डियर पे, मतलब गाइस अपने मेन ट्रैक्टर पे हम लोगों को स्विच होना है। फिर बाद में गाइस हम लोगों को ना इस ट्रैक्टर को ट्रॉली के अंदर घुसा देना होगा। तो समझ रहे हो आप लोग। फटाफट से गाइस यहाँ पे ट्रॉली को अप कर लेते हैं। तो ये देख पा रही है भाई लोगों ट्रॉली को मैंने अप कर ली। अब गाइस ट्रैक्टर को घुसाते हैं हमारी ट्रॉली के अंदर। तो यहाँ पे देखो भाई लोगों यार ट्रैक्टर को ट्रॉली के अंदर घुसाने में बहुत ही तगड़ी परेशानी आने वाली है भाई लोगों यार, क्योंकि गाइस पहली चीज तो हमारे गेम के अंदर ग्लिच वगैरह होते हैं। अब गाइस यार ग्लिच तो नहीं हुआ फिलहाल, तो भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे ग्लिच है वो नहीं हुआ। अब गाइस हम लोगों को यहाँ से डाला ना वो बंद कर लेना। तो ये चेक करो गाइस मैं यहाँ पे डाला ऑफ कर लिया मैंने। तो ये चेक करो गाइस मैंने डाला यहाँ पे बंद कर लिया। अब गाइस हम लोगों को ना पीछे वाले ट्रैक्टर पे स्विच होना है, मतलब गाइस अपने स्वराज 855 पे। अब गाइस ब्रेक में लेना और ब्रेक में लेने के बाद हमको ना अब गाइस हम लोगों को यहाँ पे ट्रैक्टर को थोड़ा सा ब्रेक में लेना भाई लोगों। तो यहाँ पे थोड़ा सा भाई ब्रेक में लेते हैं तो चलो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके चलो यहाँ पे ठीक रहेगा। अब कर लेते हैं भाई लोग अपना डाला ऑफ। तो यहाँ पे डाला ऑफ करने के लिए गाइस हमको जॉन डियर पे स्विच होना होगा। अब गाइस यहाँ पे डाला ऑफ कर लिया फाइन। तो गाइस देख सकते हो मैंने अपनी ट्रॉली का डाला ऑफ कर लिया है। अब गाइस हमको स्विच होना अपने स्वराज 855 पे। अब गाइस अपना ट्रैक्टर की सबसे पहली करें। अब गाइस सबसे पहले आपको ये करना, अगर गाइस आपके ट्रैक्टर के ऊपर गाइस हुड लगी हुई ना, मतलब डीजे म्यूजिक सिस्टम वाले डीजे को सबसे पहले हटा लेना है। तो चलिए गाइस म्यूजिक सिस्टम वाले डीजे को यहाँ से हटा लेते हैं। तो फाइनली गाइस देख पा रही है मैंने यहाँ पे अपने ट्रैक्टर का म्यूजिक सिस्टम था उसको हटा लिया। अब गाइस लेना ट्रैक्टर को बैग में पूरा यहाँ पे गाइस बैग में लेना है। ये देख पा रहे हैं भाई लोगों मैंने ट्रैक्टर को ब्रेक में ले लिया। अब लगा लेते हैं भाई लोगों हैंड ब्रेक। अब लगा लिया मैंने हैंड ब्रेक। अब गाइस है ना हमारा पीछे वाला ट्रैक्टर, समझना गाइस ध्यान से, हमारा जॉन डियर तो गाइस अपना है और ये पीछे वाला शर्मा जी का है, इसको घुसाया था भाई लोगों हम लोगों ने हमारी ट्रॉली के अंदर। अब गाइस हम लोगों को इसी वाले ट्रैक्टर के पीछे जोड़नी है ट्रॉली। ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन और यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई लोगों यहाँ पे कितने ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने। तो गाइस आपको यहाँ पे ना बिग ट्रॉली जोड़ लेनी है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई लोगों मैं बिग ट्रॉली पे क्लिक कर लिया मैंने। तो यहाँ पे चेक करो गाइस यार एक ही ट्रैक्टर के पीछे चार चार ट्रॉली जोड़ चुकी है भाई। अब हमारी गाइस 400 की 400 बोरियां ना हमारी इन ट्रॉलियों के अंदर लोड होने वाली है। अब गाइस थोड़ा सा मैं आपको ट्रैक्टर को चला के दिखाता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस है ना ट्रैक्टर को चलाने के बाद रहता है। तो यहाँ पे देखो भाई लोगों यार है ना इंटरेस्टिंग गाइस। इसी बात पे गाइस वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब गाइस यहाँ पे देख पा रही है अपनी जरूरी ट्रॉलियां ना यहाँ पे हमारी अनाज मंडी के पास में पहुंच चुकी है। लेकिन भाई लोगों यार आगे वाला ट्रैक्टर ना हमारा उसकी दोनों की दोनों 200 बोरियां थी ना भाई लोगों वो यार पता है ना गाइस किसी ग्लिच के कारण ना वो रिमूव हो गई है। इसी वजह से भाई लोगों यार हम लोगों को ये सब झेलना पड़ रहा है। गाइस ये चारों की चारों बोरियां ना आप लोग सोच रहे होंगे भाई ग्लिच किस प्रकार आया, ग्लिच इसी वजह से आया भाई लोगों क्योंकि अपना आगे वाला ट्रैक्टर ना भाई अपना जॉन डियर है वो भी भाई लोगों कुछ ये बोलने लगा था मुझे अपने घर जाना है। इसी वजह से भाई लोग अपनी आगे वाली एक नंबर और दो नंबर वाली ट्रॉली है ना उनकी बोरियां भाई ग्लिच के माध्यम से गायब हो गई। तो भाई लोगों यार हमारी अनाज मंडी के पास में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर गाइस आप लोग हमारी अनाज मंडी देखना चाहते हो तो कमेंट करो। तो भाई लोगों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो ट्रॉलियां जोड़ने की ट्रिक गाइस आपको पता चली गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।